आपकी भावनाएं आपको केवल उन चीजों में परेशान करती है जिन्हें आप अपना कहते हैं। न जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। यह दो बातें रिश्तों में कड़वाहट डाल देती है, एक अहम और दूसरा वहम। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वह है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आपकी आंखें भर जाए और वही पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ भी नहीं। अपने ही लोग लूट लेते हैं, वरना गैरों को क्या मालूम कि दिल की दीवार कहां से कमजोर है। भरोसा करो तो धोखा मिल जाता है। जमाने को मुझ पर हंसने का एक और मौका मिल जाता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जिसे कभी डर ही नहीं था मुझे खोने का, उसे क्या फर्क पड़ेगा मेरे ना होने का। रिश्ते ज़रूरी होते हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, पर जब रास्ता खराब हो तो कोई साथ नहीं चलता। जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, जख्म कई दफ़ा मिलते हैं। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सके वह अब तक मिला नहीं। जहर तो मैं पी गया, लेकिन तकलीफ लोगों को तब तक हुई जब मैं उसके बावजूद भी जी गया। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जदार बना देते हैं। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ देने से कभी मत रुको, वह भी सिर्फ इसलिए कि कोई आपको उसका श्रेय नहीं देता। एक बात हमेशा याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना मोहब्बत। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, कोई किस्मत में होगा तो खुद चल कर आएगा। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यह बात अलग है कि मुझे यह साबित करना नहीं आया। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। जिंदगी की दौड़ भी बड़ी अजीब है, जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होकर जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और खुश होकर जियो। बात अपने कर्मों की ही है, दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। परिस्थितियां तय करती है कौन गुरु है और कौन शिष्य। गुरु वो है जो शिष्य की तरह बर्ताव करे, शिष्य वो है जो गुरुता का सम्मान करे। शतरंज के शौकीन नहीं थे इसलिए धोखा खा गए। वो चाल पर चाल चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ भी नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ हैं। कम से कम वो मेरे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग बेताब थे मिलने को मंदिर के पुजारी से। हम दुआ लेकर आ गए,
बाहर बैठे भिखारी से। माना कि और के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। वही करो जो अच्छा लगे, ये जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं। भरोसा करना हमारी बड़ी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुम्हारी गलती थी। दुनिया कदमों में अच्छी लगती है और परिवार अपने साथ में अच्छा लगता है। बेहतर को छीन कर खुदा बेहतरीन देता है, ये मैंने तुझसे मिलने के बाद जाना है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा बहुत जरूरी होता है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में कि आपको पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस हो। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा, जिसने जैसा करा उसने वैसा भरा है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करें तब मौन रहने का आनंद कुछ और ही होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास सफल होने की कोई वजह नहीं होती। एक हल्की सी परवाह रिश्ते बरकरार रखती है। ये जो तुम बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ देते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिश्ता मत बनाना। होने वाले खुद ही हो जाते हैं अपने, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। सिर्फ इज्जत करने का नहीं, उतारने का भी हुनर रखते हैं हम। हर शख्स की उदासी का मसला इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की उलझने भी इंसान को उदास होने पर मजबूर कर देती है। तेरे बाद नजर ही नहीं आती मुझे कोई मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से नहीं जीने देता। किस्मत सबको मौका देती है पर हर कोई बादशाह नहीं होता। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है, कभी किसी का इंतजार करके तो देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई।